देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा ज्यादा 10 नंबर से ही मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि 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 मिसलिनियस वाला क्वेश्चन जो है कहाँ से आया था, 30 नंबर दस नंबर से। प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, यानी कि लेखक ने नानू काका को, मतलब से ये क्या बोलते हैं, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। इससे पता चलता है कि एक क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ना ही चाहिए। अब यहाँ पर कहता है ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने क्या किया, हैंडेड ओवर, यानी हैंडेड ओवर किया किस चीज को, ऑथर को, लेखक को, क्या चीज दिया। तो उन्होंने एक बास्केट दिया, टोकरी दी। अब यहाँ देखो बॉक्स भी है, ब्रीफ केस है, उसके बाद बैग है इस तरह से, लेकिन याद रखेंगे अब बास्केट, एक टोकरी दी। फिर कहता है बास्केट कंटेंट, बास्केट में क्या रखा हुआ था, तो कैट, एक बिल्ली का बच्चा, ऐसा आवाज आ रहा था उसमें जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा बोल रहा हो। उसके बाद क्या, नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल द सेकंड क्लास बिकॉज, यहाँ पर कहता है नानू काका जो है थर्ड क्लास टिकट में, मतलब से टिकट लिए थे और वो बैठे थे किसमें, तो सेकंड क्लास में बैठे थे बिकॉज, क्योंकि 3 नंबर कहता है आपका देयर वॉज नो रूम एट इन द थर्ड क्लास, यानी कि थर्ड क्लास में कोई जगह ही नहीं थी। रूम का मतलब ये नहीं समझेंगे रूम का मतलब कमरा होता है, नहीं, रूम का मतलब, नो रूम का मतलब होता है कोई स्थान नहीं था, वहां जगह बैठने के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने बी में जाकर के अपना बैठ गया था। द ऑथर वॉज मेयरली, अब यहाँ पर ऑथर के बारे में बताता है अंडर सेक्रेटरी, ऑथर जो है वो किस पद पर है, तो अंडर सेक्रेटरी के पद पर लेखक आसीन है। नेक्स्ट कहता है पंचापस्नव इज रिटन बाय, पंचापस्नव जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। पंचापस्नव लिखा गया है मनोहर मालगुनकर के द्वारा। मनोहर मालगुनकर के बारे में आपको इसमें कहानी में दिया गया है कि वो ज्यादा गेस्टिंग करना पसंद करते हैं नहीं, किसी भी तरह के गेस्ट आते हैं तो उसको लगता है कि कब ये भागे, लेकिन जैसे ही नानू काका अपने चमत्कारी कारनामे से बहुत सारे ऐसे झूठ बोल करके सारे काम करवा लिए, तो लेखक जो है तब गेस्टिंग करना भी पसंद करने लगता है। वो सोचता है कि अगर ऐसा गेस्ट हमारे पास रह जाए 1-2-4 दिन तो हमें भी शायद प्रमोशन मिल जाए। यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर कहता है कि मनोहर मालगुनकर हैज रिटेन द लेसन, उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है अपिंचापस्नव, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें इसको केवल आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि लाइन से रिलेटेड जितना भी तरह का क्वेश्चन होगा इसमें सब आने वाला है, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो 100% श्योर लिटरेचर में गलती होने की चांसेस 99% नहीं रहता जब आपको क्वेश्चन आ रहा हो। लेकिन ग्रामेटिकल में क्या है, 1-2 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आप कंफ्यूज रहते हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि लिटरेचर से ज्यादा बना लो। ग्रामेटिकल पे आपका कंसंट्रेशन हो सकता है थोड़ा कम हो, इस वजह से हमें लिटरेचर में 100% स्कोर कर लेना, और ग्रामर से जो बच जाए उसमें चुन करके, कि 100% ये 50 में 50 लाना आसान है, बस कलेक्ट करने आना चाहिए। कौन सा स्टूडेंट होगा जिसको 40 में 30 वो 25 वो 30 वो नहीं आता हो, लेकिन अगर इतना आ गया तो 60 क्वेश्चन में से क्या हम 20 को 15 को क्वेश्चन नहीं ग्रामर का कलेक्ट कर सकते, बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ना। आने के बाद में आपको रूम पर एहसास होने लगता है कि उफ ये भी हमसे बन सकता था, इससे बेहतर है कि कम से कम क्वेश्चन को देखो, हो सकता है कुछ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर यहाँ पर कहता है द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज, यानी कि दूसरा व्यक्ति जो था जो मतलब से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति था उससे मिलने की बात हुई थी, वो कौन सा था, तो वेलफेयर मिनिस्टर।
फिर नेक्स्ट इसमें कहता है कि रतिराम वाज़ सन्नाफ सोनलाल रतिराम, यानी कि वो किसका पुत्र था, सोनलाल रहते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन का, ये नाम ही बोल देते थे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन सब का कि नेता सबको लगता था कि ये शायद मुझे मेरे लिए ही मतलब से आया है, इससे प्रॉफिट होने वाली है। डॉट इज ह्यूमरस स्टोरी करे, एक कैसी व्यंगात्मक है, यह एक व्यंगात्मक मतलब हंसी वाला कहानी है, क्योंकि नानू काका अपने झूठ के कारनामे से ऐसे ऐसे काम करवा लेते हैं जो कि संभव नहीं। देयर इज नो टेलिंग, अरे देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, कह रहा है कि कुछ भी सही कहने लायक इस संसार में है ही नहीं। कह रहे देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, यहाँ पर कोई सच नहीं है, जब तक आप झूठ बोलने आपका काम होगा नहीं। सीधे कह दो मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ऐसे पर्सन से बिलोंग करता हूँ, इतने बीघे खेत है मेरे पास, इस तरह से। तो यही बात, ये अपने आप को जमींदार ज्योतिषी बताते हैं, महाराजा निनोर के फैमिली से बिलोंग करने के लिए बताते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए नानू काका .. वॉज कमिंग टू विजिट द नेटर्स फैमिली, कौन आ रहा है, तो सीन नंबर में नानू काका है, नानू काका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट कहता है, इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन परिचय दे सकते हैं, आना चाहिए एग्जाम के बाद, अगर आपको शायद कहीं हमारा बैच अच्छा लगे, बैच क्या बोलते हैं चैनल अच्छा लगे, तो आप ज़रूर हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको स्पोकन से लेकर ग्रामर से लेकर के और लिटरेचर की हर चीज़ की बात की जाएगी। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि अगर कोई ए पर्सन आपसे पूछता है कि मे आई नो योर इंट्रोप्रीच, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ, तो आप बोलेंगे यस ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य। तो आप बोलेंगे यहाँ से आई गो विथ, अपना नाम बोलेंगे, आई एम हेलिंग फ्रॉम, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं अपने गांव का नाम लिखेंगे, नाउ अडेज आई एम रेस्टिंग इन दरभंगा एट मोहल्ला, माने दरभंगा का मोहल्ला का नाम बोलेंगे। माय हायर एजुकेशन इज, जो आपका हायर एजुकेशन है उसका नाम बोलेंगे। नाउ अडेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, जिस चीज़ की आप तैयारी करते हैं उन चीज़ का नाम बोलेंगे। माय हॉबी, मेरा जो शौक है उसका नाम बोलेंगे। माय फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम बोलेंगे। हु इज अ सिंपल फार्मर टीचर बिजनेसमैन, जो उनका ऑक्यूपेशन है वो बोलेंगे। दैट्स ऑल माय इंट्रो, यानी कि ये बेसिक ऐसा है जो आराम से इतना अपना बेसिक में आप बोल सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह का ये नहीं कि हमारे दो भाई हैं, तीन बहन है, वो इतने क्लास में पढ़ता, वो इतने क्लास में, इस तरह के इंटरव्यू जो होते हैं वो कहाँ होते हैं आपको बेहतर पता होगा, दरवाजे पर जो एक इंटरव्यू होता है ना शादी ब्याह के लिए, वहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, लेकिन बाकी आप हर जगह कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो इतना काफ़ी है। फिर कहता है .. वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, अब जोधपुरी कोर्ट का मतलब यहाँ पर देख लीजिए, वेंट टू द मिनिस्टर, जोधपुर कोर्ट में कौन गया था, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मनोहर मालगोनकर, यानी कि ऑथर लेखक जो है मनोहर मालगोनकर जी, वो पहन करके गए थे जोधपुरी कोर्ट। फिर कहता है द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द .. टर्बन, कौन सा पगड़ी पहन करके गए थे, ऑरेंज, ये नंबर याद रखेंगे, ऑरेंज मतलब होता है नारंगी, नारंगी दिखे कि नहीं। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका रुके थे कितने दिनों के लिए, 2 or 3 days, मात्र 2-3 दिनों के लिए रुके थे। फिर कहता है .. इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट, अब यहाँ बी नंबर है मदर, यहाँ पर कहता है कि मदर इन्फॉर्म द नानू अंडर सेक्रेटरी, यानी कि मदर जो थी विजिट की, नानू काका जो है यहाँ विजिट यानी कि किसी चीज को मिलने के लिए देखने के लिए आ रहे हैं, बी नंबर आंसर। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा नानू काका वाज रिलेटेड टू द नैरेटर एज ही वॉज हिज मदर्स, एज ही वॉज हिज मदर्स, क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर है ब्रदर, यानी कि उसके माता का कौन था, भाई था। .. इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ अ स्नब, पिंच ऑफ अ स्नब का मेन कैरेक्टर कौन है, तो मेन कैरेक्टर इसमें नानू काका का दिया गया, क्योंकि इसमें उन्होंने इस कहानी में इतने सारे झूठ बोल करके इतने सारे काम करवा लिए हैं, इसीलिए वो मेन कैरेक्टर इसमें कहे जाते हैं, और मनोहर मालगोनकर जो उसका भगना है वो इसको लिखने में ये इस कहानी को लिखे हैं कि एक व्यक्ति इस तरह का भी झूठ बोल सकता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नानू काका हैज अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, यानी कि नानू काका जो है किस चीज का स्टोरी सुनाते हैं, ट्रुथ सच बोलते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, लाइज झूठ बोलते हैं, यानी कि ये
यूनिक तरह के झूठ बोलते हैं, इस तरह का झूठ बोलते हैं कि इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। नानू कागा हैंडेड ओवर द चेक ऑफ ऑर्डर 1000 रुपीज टू, उन्होंने 1000 रुपया का चेक काट करके दिया किसको, धोबी को दिया। फिर कहता है नानू काका पोर्ट यार्ड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनोर, महाराजा ऑफ निनोर दिया हुआ है यहाँ पर सी नंबर में आंसर। तो यहाँ पर कहता है कि नानू काका पोर्ट यार्ड हिमसेल्फ, यानी कि वे अपने आप को बताते हैं एज हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, कि वो मतलब से वंशानुगत उसका जो है बहुत पूर्वज सब जो था महाराजा निनोर का एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था। फिर कहता है गिबोन इज एसोसिएटेड विद, गिबोन जो जगह है वो कहाँ पर एसोसिएटेड है, तो ए नंबर लिखा हुआ है आंसर, वो इटली में है, याद रखेंगे, जगह का भी नाम बोल दिया आपको इसीलिए। फिर कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन यानी कि सिविलाइजेशन जो है मतलब से कब हुआ था ये आपको याद होना चाहिए, टी नंबर आपका आंसर है इसमें, टी नंबर आंसर देख लीजिए, रियोन रियल लिविंग वांट, तो क्या हो जाएगा ये रियोन हो जाएगा। फिर कहता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ, यानी कि प्लेन लिविंग का मतलब होता है कि अच्छा पहनावा और ओढ़ावा होता है वो, और हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, कहाँ का ये मतलब से है, तो वेस्टर्न फिलोसफर यानी कि पश्चिमी देश की जो सभ्यता है यानी कि उसकी ये देन है, क्योंकि देखिएगा विदेशियों का पहनावा रहावा अलग ही तरह का होता है, लेकिन हम लोग महात्मा गांधी के बातों पर चलते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग दोनों में अंतर है। आप एक दो बार तीन बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे तब जा करके बनाएंगे क्वेश्चन, नहीं तो पहले देखेंगे अध्यायश में रंग देंगे तब अफसोस करेंगे। फिर कहता है सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, अब देख सेक्रीफाइस का मतलब होता है जैसे कि हमारे ऋषिज मतलब से बाबा लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्रीफाइस इज द सोल एम, यानी कि उसका बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस होता है, वो अपने जीवन के सारे क्षण पल को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं यानी कि कुर्बान कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं, और ईश्वर की प्रार्थना सब करते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं। डॉट डॉट इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उनका कहना है कि मर गए कौन, यहाँ पर देखिए गांधी जी मर गए अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिमी देश को वो कहते थे, वो कभी किसी के देश की सभ्यता को गलत नहीं बताते थे, वे कहते थे हमारी सभ्यता अच्छी है, हमें अपनी सभ्यता को कभी भूलना नहीं चाहिए, तो वे किसी दूसरे की सभ्यता को गलत नहीं बताते, अपनी सभ्यता को अच्छा कहते थे। He has civilization taught us, यानी कि हमारी संस्कृति जो है हमें सिखाती है, taught us to be more towards one another, क्या angry upset friendly, उसके बाद में कह रहा है has civilization taught us, कह रहा है क्या हमें सिविलाइजेशन टिका मतलब से सिखाता है टू बी मोर एंग्री टुवार्ड्स वन अनदर, हमारी सभ्यता जो है यहाँ पर हमारा आंसर शायद एंग्री नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसका आंसर केवल और केवल हो सकता है कि है सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड वन टुवार्ड, यानी कि एक दूसरे से दोस्ती वाला व्यवहार, हमें फ्रेंडली होना चाहिए, इसमें आंसर ये गलत है, इसको गलत कर दीजिए। फिर कहता है कि वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ऑर्डर डॉट डॉट हैप्पी, वेल्थ मतलब धन और लग्जरियस का मतलब होता है बहुत सारी चीजों की इच्छा, डू नॉट मेक ऑर्डर डॉट डॉट हैप्पी, क्या हो जाएगा मैन, यानी कि अ मैन हैप्पी, एक आदमी जो है इससे खुश नहीं रह सकता। तो ये बात याद रखेंगे कि लग्जरियस लाइफ की ओर हमारे महात्मा गांधी नहीं जाने के लिए कहते, हुए कहते थे कि हमारे लोग जो है गांव में ही मतलब से खुश रहते थे, क्योंकि गांव में उसका जीवन यापन इस तरह का था कि वह खाना उपजाना मतलब से और खाना, यही उनकी जिंदगी थी। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण गए थे कब, 1917 में।
फिर नेक्स्ट कहता है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट डॉट एंड रोमन राइटर्स. द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड यानी कि यूरोप के जो राइटर सब थे यानी कि द पीपल ऑफ यूरोप यूरोपवासी इंस्पायर्ड यानी कि वो प्रभावित हुए डॉट 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 रोमन राइटर्स कहाँ कौन कौन से तो ग्रीक एंड रोमन दोनों दे सकता है एक भी दे सकता है ग्रीक रहेगा तो रोमन राइटर्स रहेगा कोई नहीं वो एक रहना ही रहना है इसीलिए याद रखेंगे इसे. नेक्स्ट कहता है द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट. अब जैसे यहाँ पर कहता है ए नंबर फायर द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन यानी कि आग का आविष्कार जो है हमारे लिए मतलब से बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभावित हुआ हमारे विकास के लिए क्योंकि इससे पहले आदमी क्या करता था कच्चे मांस खाता था जानवरों को मार करके तो इस तरह से उसका और जैसे ही मतलब से कभी ऐसा हुआ होगा जंगल में आग लग गई होगी जानवर झुलस गए होंगे तभी खाने के लिए कोई जानवर वहाँ आसपास में नहीं होगा उसे भूख लगा होगा हो सकता है तो ये सारी चीजें मैंने बायोलॉजी में पढ़ा है तो प्रहप्स ये चीजें पता चलती है तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फायर. कर ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर इन्होंने लिखे हैं विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स. डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा यंग इंडिया यानी कि युवा भारत के बारे में डिफरेंट आर्टिकल्स. यानी कि सिविलाइजेशन जो है इशारा करता है टू अ मैन एक आदमी को क्या इशारा करता है द पाथ ऑफ ड्यूटी कि हमें जो है अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए. फिर कहता है टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर करा टू ऑब्जर्व वो ऑब्जर्व करते हैं यानी कि देखते हैं मॉरलिटी नैतिकता की बात इज टू अटेन मस्ट्री ओवर क्या हो जाएगा माइंड्स एंड पैशंस मस्ट्री ऑफ क्या है माइंड्स एंड पैशंस. पैशंस का मतलब होता है जैसे कि किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना ये कौन सिखाता है हमारी नैतिकता सिखाती है. अगर हमारी नैतिकता नहीं है तो हम क्या करते हैं कोई ना कोई गलत रास्ते पर निकल जाते हैं. कोई कोई आदमी नैतिकता को भी दिखाने के लिए गलत रास्ते पर निकल जाते हैं जैसे मैं आपको बता सकता हूँ. एक बार ऐसे ही अरे उतना दिमाग था नहीं ऐसे ही 11th पे पढ़ रहे थे कि 10th में हमें कहा कि हमारा एक दोस्त था उन्होंने कहा कि चलते हैं ना 8वां वाला का एग्जाम हो रहा है आप ग्रामर फटाफट बना देना बढ़िया से लिटरेचर वाला ऐसे ही पेज ले जा रहे हैं लिख करके दे देंगे चले आएंगे. अरे लेकर के हॉस्टल में चला गया और देख लीजिए हमें क्या पता कहीं से प्रिंसिपल देख रहा था हम लोगों को सीधे दरोगा साहब आए तो ये लाठी करके सबको ले गए ले गए. हम लोग भी हवालात में एक दिन रहे एक दिन नहीं रहे मतलब लेकिन बड़े बड़े आदमी सब छुड़ाने के लिए आए थे तो ऐसा होता है कभी कभी इसीलिए जल नहीं गए हवालात तक जरूर गए हैं ये आप लोगों को बता दें तो इसीलिए हवा पानी सब जगह का लगा हुआ है. तो कहने का मतलब है कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन सी पाथ ऑफ ड्यूटी ये तो हो गया टू ऑब्जर्व मोरलिटी टू अटेन मिस्ट्री ऑफ अवर माइंड्स एंड पैशंस. फिर नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड व्हिच ऑलवेज रिमेंस. ओके दिमाग जो है बिना आराम करने वाली चिड़िया है. अब जैसे ये याद रखना पड़ेगा कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड दिमाग जो है बिना आराम करने वाली चिड़िया है व्हिच ऑलवेज जो हमेशा रिमेंस क्या हो जाएगा आंसर अनसेटिस्फाइड. हम हमेशा क्या होते हैं अंत असंतुष्ट होते हैं एक चीज मिल जाता है दूसरे चीज के लिए डॉट 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 हो जाता है. अब जैसे देख लियो अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो आप सोचते हैं कि एक साइकिल हो जाता ना तो जल्दी पहुंच जाता. साइकिल हो जाता है तो हम सोचते हैं कि एक प्लेटिनो आ जाता तो ठीक है रहता. और जैसे ही प्लेटिनो आ जाता है तो तुरंत हम सोचते हैं कि ना होंडा का साइन ठीक रहेगा उसके बाद बुलेट और पता नहीं डॉट 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 कितना आ जाता है. इसीलिए हमें जो है अनसेटिस्फाइड कितना भी मिल जाता है फिर भी हम असंतुष्ट रहते हैं. अब जैसे देख लीजिए नेक्स्ट कहता है हैप्पीनेस इज लार्जली अ नंबर हो जाएगा मेंटल कंडीशन
हैप्पीनेस डिपेंड करता है मेंटल कंडीशन हमारी आत्म संतुष्टि पर। महात्मा गांधी वाज मोर अ, महात्मा गांधी डिनमर कहता है स्पिरिचुअल लीडर। ये कैसे नेता थे? एक पवित्र, स्पिरिचुअल का मतलब होता है साफ स्वच्छ और पवित्र नेता कहना चाहिए। महात्मा गांधी वाज अ मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। फिर कहता है ही यूज्ड एज अ चीफ वेपन्स। अब देखिए ही यूज, वे हमेशा मतलब से यूज करते थे क्या, चीफ वेपन्स यानी कि वे ऐसे मतलब से हथियार यूज करते थे। चीफ का मतलब होता है बहुत ही सस्ता, जिसका नाम है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस यानी कि सत्य और अहिंसा, उसको वो चुनते थे और इसी से सारे काम उन्होंने करवाए। कह रहे आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम। अब डिसवेड का मतलब होता है किसी काम को करने से मना करना। अगर कोई कोई मीनिंग भी नहीं आया आपको तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको सीधे समझा रहा हूँ सीधे तौर पे। अब जैसे कि मतलब से यहाँ पर डिसवेडेड का मतलब हमें पता है कि डिसवेड का मतलब होता है किसी काम को किसी को करने से मना करना। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग जो थे, हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, डिसवेडेड अस फ्रॉम किस चीज से, लग्जरियस एंड प्लीजर, कोई लग्जरियस सामान यानी कि ऐसा सामान जिसको पाने के बाद हमें फिर से कुछ और पाने की लालच हो जाए, ऐसे लग्जरियस लैब एंड प्लीजर आनंद देने वाले चीज, जैसे कि मशीन वगैरह जो हमारा फटाक से काम कर देता है, आज हम उस पर डिपेंड रहते हैं, नहीं अगर एक बार खत्म हो जाता है तो हम सोचते हैं इससे आगे हमारा काम ही नहीं चल सकता। तो वो जो है आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज लोग जो थे इन लग्जरी स्लैब के ओर बिल्कुल भी नहीं मतलब से भागते थे, वे हमें रोकते थे, डिसवेडेड। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना बोलने में, इसको रोक दिए थे आप ही वाला आदत, सब खाली देखते रहते हैं चेक करते रहते हैं कि होता है इतने कहाँ पर बोझ रहा है ये गाना, हो पीछा में कहानी चालू हो गया है इधर। हाँ अब पानी शानी पी लिए हैं और आगे बढ़ते हैं। कर पीपल इन एंशियंट डेज वे सेटिस्फाइड विद, यानी कि एंशियंट डेज का मतलब पुराने जमाने में हमारे लोग जो होते थे, पीपल इन एंशियंट डेज बहुत पहले, वे सेटिस्फाइड विद यानी कि वे खुश थे। कहाँ पर सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, कहाँ पर? अब डी नंबर आंसर देख लीजिए, विलेजेस या टाउन्स दिया रहेगा, सिटीज दिया रहेगा, उसके बाद में मेगा सिटीज दिया रहेगा और उसके बाद में विलेजर्स, यानी कि हमारे गाँव के लोग जो थे अपने दुनिया में जाते खाते थे, मस्त रहते थे, अभी भी रहते हैं, लेकिन उन्हें भी अब जो है अच्छे चीजों की लालसा होती है और उसी के लिए हम क्या करते हैं, ये पढ़ते पढ़ते कभी बीएम यादव बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। अब जैसे देखिए कि आवर फोर फेदर्स यानी कि हमारे, एक ही वर्ड में नहीं को आप जैसे यहाँ पर फैमिली ट्री कर दे, फोर फेदर्स बोल दे, फोर फादर्स बोल दे, वॉज, ये सारे वर्ड मीनिंग जो है ये किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, ये सारे वर्ड मीनिंग डिनोट कर रहे हैं हमारे, क्या बोलते उसको, ये सारे वर्ड मीनिंग हमारे पूर्वजों को बिलोंग करते हैं, यानी कि इस वर्ड मीनिंग में से कोई भी दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ड मीनिंग जो है हमारे ऑल जनरेशन वाले को बताते हैं। आवर फोर फेदर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वर इनफेरियर टू, क्या हो जाएगा, द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, यहाँ पर स्वॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि उसका जो सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स जो होता है वो कौन सी था, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी की ओर भागते थे, सोर्स ऑफ क्या है, ट्रेजरी, उसके बाद में सोर्स ऑफ पॉलिटिक्स राजनीतिक, ऐसा नहीं, आप ये ऑप्शन याद रखेंगे, सोर्स ऑफ एथिक्स, एथिक्स का मतलब होता है भाषा शास्त्र, सत्य जिसको बोलते हैं कि एन एंशियंट इन एंशियंट यानी कि पुराने समय में डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी कि वो क्या मतलब से फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर, सारे लोग जितने भी गांव में होते थे वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। नेक्स्ट कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि आज की जो संस्कृति है वो किस चीज पर है, मटेरियल, यानी कि अत्यधिक क्या हो गई है, मटेरियल पर आधारित है, मटेरियलिटी का मतलब बनावटी जिसको कहते हैं उस पर। फिर कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बिन,
रिटेन बाय इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है लिखा गया है, रिटेन बाय किसके द्वारा, तो एम गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। फिर कहता है इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड डॉट डॉट डॉट, यानी कि पहले पुराने समय में, एंशियंट समय में, द कॉमन पीपल एंजॉयड, सामान्यतः लोग जो है इंजॉय करते थे किन चीजों को, तो यहाँ पर लिखा हुआ ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल यानी कि अपने घर के शासन को ही वो शासन मानते थे, क्योंकि वो कहीं भी अपना अस्तित्व अच्छा व्यवहार रखना चाहते थे। फिर कहता है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, यानी कि टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो संस्कृति है वो कैसी है, तो मोरल बींग, मोरल मतलब नैतिकता पर आधारित है। नैतिकता मतलब अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपके माता पिता कहते हैं कि बउआ किसी से लड़िएगा नहीं, कोई अगर एक थप्पड़ मारबो करे तो सह जाइएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना, सोचते हैं ना आप कि कोई किसकी मजाल है कि हमारा हाथ लगा ले। फिर कहता है इंडियन सिविलाइजेशन इज डॉट डॉट किस चीज़ पर आधारित है, बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, यानी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है ईश्वर पर विश्वास करने पर डिपेंड करता है। द पास्ट इज बी नंबर हो जाएगा आंसर, अलाइव एंड डायनेमिक, कह रहे द पास्ट जो है वो अभी भी जिंदा है, अलाइव एंड डायनेमिक, और वो कभी भी मूव नहीं करने वाला है, वो स्थिर है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी कि भारतीय कल्चर जो है, संस्कृति जो है, वो किस चीज पर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज के लिए मतलब से एग्जाम्पल है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी मतलब एकता के लिए एक उदाहरण है। फिर कहता है द वर्ड एरोडेशन स्टैंड्स फॉर, एरोडेशन का मतलब क्या होता है, द ग्रेट नॉलेज, यहाँ पर एरोडेशन का मतलब क्या होता है, द वर्ड एरोडेशन स्टैंड्स फॉर, यानी कि ग्रेट नॉलेज मतलब एक अच्छी विचारधारा, अच्छे ज्ञान की बात हुई है। फिर कहता है व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, करफ्वीन कब जो है डॉक्टर ये हुसैन, जाकिर हुसैन की बात हो रही है, अब हम आगे भारत इज माय होम पर, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, आंसर आपका हो जाएगा व्हेन ही टुक एज ऑथ एज द प्रेसिडेंट, जब वे राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे उस समय इन्होंने भाषण दिया था, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है और इसमें रहने वाले जितने लोग हैं वो हमारे सदस्य हैं फैमिली के, तो इन चीजों को उन्होंने बताया था। फिर इसमें कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, उसका जन्म हुआ था कब, तो देख रहे 1897 में इसका जन्म हुआ था, यानी कि 19वीं शताब्दी में अंत में 97 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी कब, बी नंबर आंसर है 1969 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, बोर्न इन, जगह का नाम है, क्या नाम है, हैदराबाद, यानी कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, हैदराबाद से बिलोंग करते थे। फिर कहता है अर्लियर ही हैड सर्वड एज डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अर्लियर शुरू में ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि शुरू में उसे बनाया गया था, क्या बिहार का गवर्नर बनाया गया था, उसके बाद उसे राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सेप्शनली, कह रहे डॉक्टर राधा कृष्णन जो है एक्सप्लेन, उन्होंने वर्णन किया है एक्सेप्शनली किसके बारे में, तो इंडियन फिलोसफी के बारे में उन्होंने बताया था, राधा कृष्ण। फिर कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विद, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका टोटल डेडिकेशन, वे कहते हैं कि अब जो मेरे जीवन का जो भी भाग बचा हुआ है उसको मैं टोटल डेडिकेशन, यानी कि उसको समर्पित मैं करता हूँ किसके लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। फिर कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर कहता है एजुकेशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग
एसोसिएटेड विद एजुकेशन, वे हमेशा मतलब से किस चीज की बात करते थे, तो एजुकेशन शिक्षा की बात करते थे। द पीपल हैड चोजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ, यानी कि वो कहते थे कि द पीपल हैड चोज, यानी कि लोगों ने उसे चुना है हिम हेड ऑफ द फैमिली फॉर, यानी कि एक परिवार का जो हेड ऑफ द फैमिली होता है और सर्टेन टाइम एक निश्चित समय के लिए उन्हें परिवार का मुखिया चुना गया है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते थे। क्योंकि एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, द होल नेशन, हाँ, अब इसमें कहता है द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, किसके ग्रोथ की बात कर रही है, बी नंबर द होल नेशन, पूरे मतलब से देश की बात कर रहा है कि वो सारे राष्ट्र को जो है होल नेशन पूरे देश के डेवलप की बात करता है, ग्रोथ आगे बढ़ने की बात करता है। द पावर शुड बी वेस्ट ओनली फॉर, किस चीज के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोरल पर्पस, मोरल का मतलब होता है नैतिकता, ये नैतिकता की बात करते थे कि नैतिक, आजकल नैतिकता की बात तो कुछ है नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण दिए थे कब, सी नंबर 1967 में, एज बीइंग अ प्रेसिडेंट, जब वे राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे उसी समय। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसमें कहता है भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, भारत इज माई होम लिखा गया है किसके द्वारा, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, कि हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट कहता है